डिटरमिनेंट दिया हुआ है इतना बराबर जीरो, और अपने को प्रूव करना है एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन करते हैं। जो अपने को दिया हुआ है x x का क्यूब x टू दी पावर फोर माइनस वन, y y टू दी पावर क्यूब y टू दी पावर फोर माइनस वन, z z का क्यूब z टू दी पावर फोर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। इसको सोल्व करते करते अपने को ये प्रूव करने वाला लाना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं एक प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट का, x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी ई एफ जी आई जे के इज इक्वल टू एक्स वाई जेड ई एफ जी आई जे के प्लस ए बी सी ई एफ जी आई जे के। हम लोग इस डिटरमिनेंट को ये लिख सकते हैं, ऐसा प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर कोई डिटरमिनेंट का एक रो या एक कॉलम, एक से अधिक रो या कॉलम जो भी हो, वो अगर सम के रूप में लिखा हुआ है तो उसको हम लोग अलग 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 डिटरमिनेंट में सेपरेट कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी जो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम लोग यहाँ पर अगला स्टेप करते हैं, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं तो x y z x टू दी पावर क्यूब y क्यूब z क्यूब x टू दी पावर फोर माइनस वन सॉरी x टू दी पावर फोर y टू दी पावर फोर z टू दी पावर फोर ये डिटरमिनेंट बनेगा, और माइनस अगला डिटरमिनेंट बन जाएगा x y z x क्यूब y क्यूब जेड क्यू वन 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 इज इक्वल टू जीरो। जो प्रॉपर्टी अभी हम लोग लिखे थे उस प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए हम लोग ये इक्वेशन बना सकते हैं। इसके आगे यहां पर कॉमन निकाला जा सकता है डिटरमिनेंट से, डिटरमिनेंट का रो x x क्यूब x टू पावर फोर यहां से x कॉमन निकल सकता है, y y क्यूब y टू पावर फोर यहां से y निकल सकता है, z यहां से z निकल सकता है, तीनों रो से कुछ ना कुछ निकल सकता है। जो निकला उसको हम बाहर लिख रहे हैं x y z, जो बच गया वन 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 बचा, ये बचा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x क्यूब y क्यूब z का क्यूब। और माइनस इस डिटरमिनेंट से भी देखिए कुछ नहीं निकल रहा, जो का तो लिखा जाएगा x x क्यूब वन y y क्यूब वन z z क्यूब वन इज इक्वल टू जीरो। चलिए आगे इस डिटरमिनेंट में अपने को ट्रिपल वन मिला हुआ है, और इसमें अपने को ट्रिपल वन मिला हुआ है, और जब तक ट्रिपल वन मिलता है तो हम लोग वहां से उस रो या कॉलम में डबल जीरो लाने की कोशिश करते हैं बाय सब्ट्रैक्टिव घटाकर। तो यहां पर इस डिटरमिनेंट में इस जगह पर जीरो लाने के लिए रो वन में से रो टू को माइनस करना पड़ेगा, और आर टू में आर टू माइनस आर थ्री करना पड़ेगा। सेम वही प्रोसेस यहां पर भी होगा, वन आर वन में से आर टू माइनस करना पड़ेगा और आर टू में से आर थ्री माइनस करना पड़ेगा। मतलब जो प्रोसेस है उसको हम यहां पे लिख रहे हैं अप्लाइंग आर वन माइनस आर टू माइनस आर थ्री। चलिए तो एक्स वाई जेड यहां हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब, फिर वन माइनस वन जीरो, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और वाई का क्यूब माइनस जेड का क्यूब, वाई क्यूब माइनस जेड का क्यूब, नीचे वन जेड स्क्वायर जेड क्यूब, वन जेड स्क्वायर जेड क्यूब, सेम प्रोसेस यहां पर अप्लाई होगा, माइनस एक्स माइनस वाई, यहां पर एक्स क्यू माइनस वाई का क्यूब, यहां पर वन माइनस वन जीरो, चलिए एक्स माइनस वाई एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब जीरो, अगला वाई माइनस जेड, वाई क्यूब माइनस जेड का क्यूब जीरो, लास्ट में आपका जेड जेड का क्यूब और वन, टोटल इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टूट सकता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, उसी तरह से वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर टूट सकता है, वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड, सेम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो सकता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, उसी तरह इसको भी तोड़ेंगे, सेम यहाँ पर भी काम करेंगे, फिर देखते हैं क्या कॉमन निकल सकता है, एक्स वाई जेड, और इसमें से इसको तोड़ते हैं, पहले ब्रेक करते हैं, जीरो जीरो वन एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, यहां पर जगह ये टूटेगा, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, उसी तरह से नीचे वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड का स्क्वायर, से नीचे वन जेड जेड का क्यूब, उसी तरह से डिटरमिनेंट में तोड़ सकते हैं हम लोग, ये एक्स माइनस वाई उसको मैं नीचे लिख रहा हूं, माइनस एक्स माइनस वाई एक्स वाई माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, उधर जीरो, ये वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड का स्क्वायर जीरो, जेड जेड का क्यूब वन इज इक्वल टू जीरो। इसमें देखिए फर्स्ट रो में एक्स माइनस वाई कॉमन निकल जाएगा, सेकेंड रो में वाई माइनस जेड कॉमन निकल जाएगा, उसी तरह से इसमें डिटरमिनेंट से भी, इस डिटरमिनेंट में भी देखिए तो एक्स माइनस वाई कॉमन निकल रहा है, वाई माइनस जेड कॉमन निकल रहा है, चलिए निकालते हैं, एक्स वाई जेड और कॉमन निकल जाएगा इसके साथ, एक्स माइनस वाई और एक्स वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई नीचे से वाई माइनस जेड, जो बचा उसको लिखते हैं, जीरो एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, सेम जीरो वाई प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड का स्क्वायर, वन जेड जेड का क्यूब, माइनस यहाँ से कॉमन निकल सकता है, एक्स माइनस वाई फर्स्ट रो से, एक्स माइनस वाई निकल के फर्स्ट रो से, और वाई माइनस जेड निकल के सेकेंड रो से, जो बचा वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर जीरो, वन वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर जीरो, जेड जेड क्यूब वन इज इक्वल टू जीरो। इस साइड का पूरा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर भी मिटाऊंगा। इसके आगे का स्टेप देखिए,
पहला स्टेप ये पूरा और माइनस ये वाला पूरा है, अगर इस पूरे को हम इक्वल के उस साइड ले जाएं आरएचएस में ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा उधर प्लस। चलिए ये जो बचा अपने को एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जीरो जीरो वन, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, वाई प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर वन जेड जेड क्यूब इज इक्वल टू, ये पूरा पार्ट, ये जो पूरा पार्ट है इस पूरे पार्ट को इक्वल के उस साइड ले जा रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा प्लस। क्या आ जाएगा इक्वल में, इक्वल में आ जाएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और वन वन जेड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर जेड क्यूब जीरो जीरो वन। देखिए इक्वल के इस साइड ये है और इक्वल के आरएचएस में ये है, यहाँ पर देखा जाए तो दोनों साइड सेम सेम चीजें हैं, एक्स माइनस वाई कैंसिल हुआ, वाई माइनस जेड कैंसिल हुआ, जो बचा वो देखिए एक्स वाई जेड और इसके साथ ये डिटरमिनेंट बचा जिसको कॉलम वन के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, उसी तरह से ये यहाँ पे भी डिटरमिनेंट एक बचा है जिसको हम कॉलम वन कॉलम थ्री के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, यहाँ कॉलम वन के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो देखिए प्लस माइनस प्लस इक्वल प्लस में और जो बचेगा वो क्या बचेगा, ये कॉलम ये लोग खत्म हो गया, बचा ये वाला पार्ट एक्स प्लस वाई जिसको मैं डायरेक्टली तोड़ रहा हूँ, ये जो पार्ट बचा है इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो एक्स प्लस वाई को मल्टीप्लाई करिए वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर से और माइनस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इस साइड टूटेगा ये वाला, इसमें कॉलम थ्री का में एक्सपेंड होगा तो प्लस वन के लिए देखते हैं क्या आता है, प्लस या माइनस साइन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस यह है वन इन टू, ये कॉलम अब ये लोग खत्म, बचा ये वाला, इसको वन से मल्टीप्लाई करके माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वन से मल्टीप्लाई करते वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा ये वाला मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई का स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, एक्स वाई जेड इंटू इसको मल्टीप्लाई तोड़ दिया जाए, ओपन करते हैं इसको तो एक्स से मल्टीप्लाई करिए तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो जेड से, तो वाई से मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब माइनस जेड से तो एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड इज इक्वल टू ये वाला पार्ट क्या बचा, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, भैया कुछ कैंसिल होगा एक्स वाई जेड कैंसिल हुआ, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड से कैंसिल हुआ, एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स जेड स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर नहीं है, वाई का क्यूब वाई क्यूब प्लस में वाई क्यूब माइनस में कैंसिल, वाई स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर जेड कैंसिल, वाई जेड स्क्वायर नहीं
एक्स जेड स्क्वायर बचा, वाई जेड स्क्वायर बचा, इधर एक्स स्क्वायर वाई बचा, इधर एक्स स्क्वायर जेड बचा, और नीचे नीचे भी कुछ कैंसिल नहीं होगा। चलिए सॉल्व करते हैं, आगे एक्स वाई जेड इंटू एक्स जेड, एक्स जेड का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड, उसी तरह से प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक दो तीन चार इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसका कैंसिल हो रहा है, वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, जो बच्चा यहाँ पर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई। चलिए एक्स वाई जेड इंटू यहाँ से वैसे से हम कॉमन निकाल लें तो हो जाएगा एक्स जेड कॉमन जेड माइनस एक्स, और यहाँ से अगर हम लोग कॉमन निकालें वाई को प्लस वाई कॉमन निकालने पर जाएगा जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स और प्लस वाई निकालते जेड माइनस एक्स, एक्स वाई जेड, यहाँ से जेड माइनस एक्स पूरे से कॉमन नहीं कर सकता है, जेड माइनस एक्स पूरे से कॉमन नहीं कर सकता है, जो बचा एक्स जेड बचा प्लस यहाँ से जेड माइनस एक्स निकल कर बचा वाई इंटू जेड, उधर वाई जेड प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू, उधर जेड माइनस एक्स कॉमन निकल गया, जो बचा वो बचा जेड प्लस एक्स प्लस वाई, जेड माइनस एक्स दोनों साइड से कैंसिल, एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्रूव हो चुका जो अपने को लाना था। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड, चलो ट्राई करते हैं इसको, अपने को शो करना है, टू शो करके दिखाना है एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई y माइनस जेड जेड माइनस एक्स, ये प्रूव करना है। अपने को इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें से डिटरमिनेंट को सॉल्व करके प्रॉपर्टीज यूज करते हुए सॉल्व करना है और सॉल्व करके ये लाना है। चलिए चलते हैं सॉल्यूशन LHS से चलते हैं, x y z एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान से देखिए तो फर्स्ट कॉलम में एक्स 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 कॉमन निकल सकता है, सेकेंड कॉलम से वाई निकल सकता है और थर्ड कॉलम से जेड निकल सकता है, तो अगर निकालते हैं कॉमन एक्स इंटू वाई इंटू जेड, जो बच गया वन एक्स एक्स स्क्वायर वन वाई वाई स्क्वायर वन जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड। यहां पर ध्यान से देखिए तो फर्स्ट रो में एक ही रो के अंदर तीन वन मिला हुआ है, अगर ट्रिपल वन अपने को मिल जाए तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको डबल जीरो में कन्वर्ट किया जाए, और डबल जीरो में कन्वर्ट करने के लिए कुछ प्रोसेस अप्लाई करते हैं, उस प्रोसेस को देखते हैं। अप्लाइंग कॉलम वन में काम करेंगे, कॉलम वन में से कॉलम टू को माइनस कर देंगे, कॉलम टू को माइनस कर देंगे, उसी तरह से कॉलम टू में कॉलम थ्री को माइनस कर देंगे, दो प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करेंगे और देखते हैं क्या होता है। इज इक्वल टू
एक्स वाई जेड कॉलम वन में कॉलम टू को माइनस कर रहे हैं तो वन माइनस वन जीरो एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसी तरह से कॉलम टू में कॉलम थ्री को माइनस करें तो आ जाएगा जीरो वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर और लास्ट का जो जीरो का क्यों आ जाएगा वन जेड जेड का स्क्वायर। यहाँ पर अपने को डबल जीरो मिल गया है। अब देखते हैं यहाँ पर एक्स माइनस वाई और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कन्वर्ट हो सकता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई में। उसी तरह से यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कन्वर्ट हो सकता है वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड। चलिए अगला स्टेप देखते हैं। एक्स वाई जेड जीरो एक्स माइनस वाई की एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अगला जीरो वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड। अगला वन जेड जेड का स्क्वायर एक्स माइनस वाई यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से वाई माइनस जेड कॉमन निकल जाएगा तो एक्स वाई जेड और जो निकल गया कॉमन उसको एक्स माइनस वाई कॉमन निकल गया, वहाँ से वाई माइनस जेड कॉमन निकल गया। जो बचा उसको देखिए जीरो वन यहाँ पर एक्स प्लस वाई, उधर बचा जीरो वन वाई प्लस जेड और उधर वन जेड जेड का स्क्वायर। ये बहुत सिंपल हो चुका है डिटरमिनेंट जिसमें डबल जीरो रखने को मिला हुआ है और ये जितना कॉमन निकल सकता था निकाल लिए। अब चूंकि इस फर्स्ट रो में अपने को डबल जीरो मिला तो हम उसी के अलग इसको एक्सपेंड करेंगे और एक्सपेंड करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए एक्सपेंडिंग अलोन आर वन, आर वन के अलग एक्सपेंड कर रहे हैं, चलिए करते हैं एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड। यहाँ पर देखिए इसका लोग एक्सप्लेन करेंगे फर्स्ट रो क्या लोग तो यहाँ पर डबल जीरो है कोई फर्क पड़ेगा नहीं उससे। आगे चलते हैं वन तो प्लस माइनस प्लस इस वन के लिए आएगा प्लस प्लस आया प्लस वन और जो बचा देखिए इस वन के अलग मतलब इस रो के लोग एक्सप्लेन करते हैं तो डबल जीरो को छोड़कर वन पे आते हैं। वन पर देखिए ये फर्स्ट रो ये कॉलम खत्म हो जाएगा बचेगा ये पार्ट वन वन एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड इसको सोल्व करना पड़ेगा। डायरेक्टली सोल्व कर रहे हैं वन से मल्टीप्लाई होगा वाई प्लस जेड डालेगा वाई प्लस जेड और उसके बाद माइनस करना पड़ता है इसको मल्टीप्लाई कर तो माइनस कर दिए इसको मल्टीप्लाई कराएगा एक्स प्लस वाई जो यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस वाई। चलिए सोल्व करते हैं तो एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और यहाँ पर देखिए वाई कैंसिल हुआ बच गया जेड माइनस एक्स जो अपने बुलाना था एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स उसी तरह बराबर सेम से एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स ये प्रूव हो गया आर एच एस आ चुका है प्रूव। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 देखिए इसमें हमें प्रूव करना है टू प्रूव ए माइनस बी माइनस सी टू बी टू सी टू ए बी माइनस सी माइनस ए टू सी टू ए टू बी सी माइनस ए माइनस बी कितना बराबर लाना है ए प्लस बी प्लस सी का उनका क्यूब ये प्रूव करना है। चलिए प्रूव करते हैं बहुत सिंपल है।
इसमें चलिए एलएचएस से चलते हैं, ए माइनस बी माइनस सी टू ए टू ए, टू बी बी माइनस सी माइनस ए टू बी, टू सी टू सी सी माइनस ए माइनस बी। इस डिटरमिनेंट को अगर ध्यान से देखा जाए तो ए माइनस बी माइनस सी और यहां पर टू बी है और टू सी है, अगर तीनों को हम ऐड कर दें, इन तीनों को अगर हम लोग ऐड कर दें क्या आएगा, ए माइनस बी माइनस सी प्लस टू बी प्लस टू सी, क्या बचेगा माइनस टू माइनस बी और प्लस टू बी आ जाएगा, ये आपका ए है और माइनस बी प्लस टू बी हो जाएगा बी और माइनस सी प्लस टू सी हो जाएगा सी। उसी तरह से इन तीनों को अगर हम सम करते हैं टू ए बी माइनस सी माइनस ए टू सी तो ये भी आएगा ए प्लस बी प्लस सी, उस तरह इसको भी करने पर आएगा ए प्लस बी प्लस सी। अगला स्टेप यहाँ पर हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई आर वन में हम लोग ऐड कर रहे हैं आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, आर वन चेंज कर रहे हैं जिसमें अपने को आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री तीनों को सम कर रहे हैं। चलिए तो ए प्लस ए माइनस बी माइनस सी टू बी प्लस टू सी टू ए प्लस बी माइनस सी माइनस ए प्लस टू सी और अगला टू ए प्लस टू बी माइनस प्लस सी माइनस ए माइनस बी, नीचे आएगा टू बी टू सी बी माइनस सी माइनस ए टू सी टू बी सी माइनस ए माइनस बी। ऊपर तीनों का सम किया जाए तो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी टू बी टू सी, ए प्लस बी प्लस सी बी माइनस सी माइनस ए टू सी, आगे ए प्लस बी प्लस सी टू बी सी माइनस ए माइनस बी। यहाँ पर आर वन फर्स्ट रो के अंदर तीनों का तीनों सेम है ए प्लस बी प्लस सी, तो आर वन से अगर हम लोग कॉमन निकालते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकल गया जो बचा वन टू बी टू सी, या वन बी माइनस सी माइनस ए टू सी, वन टू बी सी माइनस ए माइनस बी। स्क्रीनशॉट लेंगे आगे जो अपने को डिटरमिनेंट मिला हुआ है उसको देखे ध्यान से, इसको मैं वापस यहां पर लिख रहा हूं ऊपर, ए प्लस बी प्लस सी वन टू बी टू सी वन बी माइनस सी माइनस ए टू सी वन टू बी सी माइनस ए माइनस बी। यहाँ पर ट्रिपल वन में से अगर दो जीरो लाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर कॉलम वन में कॉलम टू को माइनस करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे जीरो आ जाए, कॉलम टू में से कॉलम थ्री माइनस करना पड़ेगा ताकि वहां भी जीरो आ जाए। अप्लाई कॉलम वन में चेंज करने जा रहे हैं कॉलम वन माइनस कॉलम टू, उसी तरह से कॉलम टू में चेंज करें कॉलम टू माइनस कॉलम थ्री, क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर हो जाएगा जीरो टू बी माइनस सी माइनस ए, नीचे टू सी माइनस टू सी, उसी तरह कॉलम टू में चेंज होगा वन माइनस वन जीरो अगला बी माइनस सी माइनस ए माइनस टू बी और यहाँ टू सी माइनस ए माइनस बी, मिस्टेक माइनस सी प्लस ए प्लस बी, यहाँ भी मिस्टेक टू बी माइनस बी प्लस सी प्लस ए, वन टू बी सी माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी
जीरो यहां पर आ जाएगा ए प्लस सोल्व करने पर बी और प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी यहां जीरो जीरो, यहां भी आपका आ जाएगा माइनस ए और बी माइनस टू करें तो माइनस बी और फिर माइनस सी, नीचे आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस टू सी माइनस सी, तो सी वन टू बी सी माइनस ए माइनस बी। यहां पर अगर इससे ए प्लस बी सी प्लस सी कॉमन निकाला जाए तो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी और यहां वाला ए प्लस बी प्लस सी इसके साथ इनटू आएगा होल स्क्वायर हो जाएगा बचा जीरो वन जीरो, यहां से कॉमन निकल सकता है, यहां से अगर कॉमन निकालते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी और यहां से ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और फिर से ए प्लस बी प्लस सी, क्या बचेगा जीरो वन जीरो, यहां से निकाल के आएगा जीरो, यहां पर हो जाएगा माइनस वन और यहां पर वन, यह आपका हो गया वन टू बी सी माइनस ए माइनस बी। इन दोनों कंबाइन कर देते इंटू कर देते क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और जो बचा उसको एक्सपेंड कर देते हैं, यहां पर हम चाहे तो कॉलम वन के अलावा एक्सपेंड कर सकते हैं या रो वन के अलावा एक्सपेंड कर सकते हैं आपकी मर्जी, हम आर वन के अलावा एक्सपेंड करने जा रहे हैं, एक्सपेंडिंग अलोन आर वन, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब हो चुका है, उसके बाद इसको इसके अलोन एक्सपेंड कर रहे हैं तो वन के हिसाब से होगा प्लस प्लस माइनस प्लस, वन के जाएगा वन प्लस में और इसका ये रो ये कॉलम खत्म हो जाएगा बचा ये पार्ट, इसको हम लोग सोल्व करते तो आएगा वन इंटू वन वन माइनस जीरो, तो ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब इंटू वन ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बोले तो आर एच एस क्यूब। स्क्रीन शॉट ले लीजिए।